हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आई हूँ ना, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि आजकल जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत सारे खीरे हैं, जैसे ककड़ी है और तरबूज है रेड वाले, आजकल तो पीले भी तरबूज आ गए हैं मार्केट में। तो फ़िलहाल मेरे पास पीले तरबूज का सीड नहीं है, ये रेड तरबूज का सीड है। तो ये सारे शीट हैं आपको दिख रहे होंगे, ये जैसे कि लीची है, लीची का भी शीट मैंने कलेक्ट कर लिया था। मैं जब भी ना कुछ भी खाती हूँ तो मैं शीट नहीं फेंक पाती हूँ। मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में ये बताई बातें कि जैसे होता है ना, पता नहीं जैसे लगते हैं मैं फेंक रही हूँ, बहुत बड़ा गलत काम कर रही हूँ। मुझे मुझसे मतलब शीट तो फेंका ही नहीं जाता किसी भी चीज़ का, मैं ऐसे ही रख लेती हूँ कलेक्ट करके। जो बर्तन वाली आती है ना, उससे बोलती हूँ कि शीट मत फेंकना, बाकी चीज़ें छिलके बाहर फेंक दो, गाय खा लेगी, सब कुछ है, लेकिन सीड मत फेंको, सीड मुझे छोड़ दो। तो वो बेचारी ना सीड देखिए सारे यहाँ पे इसने डाल दिए थे, कुछ इसमें ये है उसका खरबूजे का, और ये जो है ये उसका है, जो वो फूट वाला जो फूट वाली नहीं ककड़ी होती है वो उसका है। मैंने आपको दिखाया था वीडियो, शॉर्ट्स में अपलोड कर रखी है। ये देखिए टमाटर था, ये ख़राब हो गया था, बल्कि पूरा पका हुआ था। उस टमाटर के सीड को भी मैंने धुला के ना ये देखिए रख लिया है, क्योंकि वो हाथ में आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा उसमें पानी डालो, धुल के डाल दो, निकाल दो। ये देखिए टमाटर का बीज है, ये तरबूज था ना वाटरमेलन रेड वाले, पीले का नहीं है, पीले का मैं लाऊंगी किसी दिन जाके खुद से देख के मार्केट में। ये लाल वाले तरबूज का बीज है, और ये जो ये लीची मैंने हाथ में लेके, इस लीची को मैंने खाया था, उसके सारे शेड को कलर कर लिया। मैं इसका पूरा पूरा जंगल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना, और मुझे करना ही कुछ नहीं है, बस सीधे इसको बस मिट्टी में दबा देना है और इन सबको स्प्रेड कर देना है। जब छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे तो उनको अलग करके हम बड़े गमले में लगा लेंगे और उसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी थोड़े दिन में। अच्छा, ये चूँकि ये पता है आपको टेम्परेरी पौधे हैं, ये ऐसा नहीं परमानेंट लगे रहेंगे, 2-4-6 महीने रहते हैं, उसके जब फ्रूट हो जाएंगे उसके बाद आप इसको मतलब फेंक दीजिए। तो इसको आपको गमले में भी नहीं लगाने की ज़रूरत है। जो जो आपके पास जैसे आटे वगैरह का जो आता है बड़ा पैकेट पॉलिथीन वाला, उसको भी आप लगा सकते हैं होल करके, या फिर आप पूरी आपके पास पड़ी हो चावल की पुरानी, उसको भी आप फोल्ड करके लगा सकते हैं, या फिर ग्रो बैग खरीद लीजिए, बहुत सस्ता आता है, उतना महंगा भी नहीं आता है। तो फिलहाल तो मैं इसको ना काफ़ी, मैंने एक दो पॉलिथीन भी रखी हुई है और ग्रो बैग भी रखा हुआ है, उसी में मैं इसको स्प्रेड करूँगी। फिलहाल अभी के लिए मैं बस केवल इसको भी छोटे से पॉट्स में ना, अभी पूरे में फैला देंगे तो आइडिया लगेगा कि किस चीज़ का सीड है। तो छोटे छोटे पॉट्स में ही मैं जो है इनको ग्रो करूँगी, जब इसमें पौधे निकल आएंगे 2-3 दिन पत्ती, फिर मैं इसको अलग शिफ्ट करूँगी। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके सारे शीडों को जो है लगाते हैं गमलों में। गमलों में तो नहीं कहेंगे हम, जो बेकार पॉट्स पड़े हैं, मिट्टी पड़ी हुई है मेरे पास, उसी में लगाएंगे, है ना, और इनको आपको अपडेट इनकी आपको हम देते रहेंगे, है ना। दूसरी बात यह है कि जो ये शीट ये हैं, इसको मैं लाइन से अपने सामने जो है लगा दूंगी, जितने पौधे निकलने होंगे निकलेंगे, बड़े होंगे नहीं निकलने होंगे नहीं निकलेंगे, मेरा क्या जा रहा है। ऐसे मिट्टी तो भगवान की देन है, वो तो भाई रहेगी, और बस जाके मुझे हल्का सा जो है खुरेद के मिट्टी को इस शीट को दबा देना है। तो अगर निकल आया तो सो गुड, और सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। और निकलता है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है ना, ऐसे मैंने शरीफे का भी जो है शीट इकट्ठा कर रखा था, उसको मैंने ग्रो किया था, तो शरीफे का भी जो है पेड़ निकला है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक मिनट के लिए। ये देखिए जो शरीफा था वो खाया था मैंने शीट से, मैं इसके शीट को और दिखा दूँगी, मेरे पास अभी और भी शीट रखे हैं सुखा के, मैंने रख लिए थे। और ये शरीफे का पेड़ देखिए शीट से उगा हुआ है, जो घर में खाते हैं ना उसी से उगा, कोई मैं लेने नहीं गई, काफ़ी बड़ा हो गया पेड़ फिलहाल अब तो। ये जो जामुन का पेड़ है ये भी शीट से ही उगा है, घर में जामुन लाए थे, खाए थे और डाल दिए थे। देखिए ये नींबू का पेड़ है, ये भी शीट से ही उगा हुआ वाला है। और ये रहा पपीते का, ये भी हम आपको कितनी बार मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर रखी हैं कि मैं जो शीट खाती हूँ, मैं कोई भी शीट नहीं फेंक पाती, मैं ऐसे ही ग्राउंड में डाल देती हूँ, सब पेड़ बन जाता है। ये देखिए मैंने थोड़ी दिन पहले करेला का आपको बताया था ना, करेला मैंने निकाला था, देखिए उसका भी शीट डाल दिया, और कितना अच्छा प्लांट ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है। और ये मैंने देखी शीट अभी डाली हुई है आम की, फ़िलहाल अभी ये नहीं निकली है। और ये देखिए ये तरबूज का शीट जो मैंने डाला था वो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये तरबूज का निकला हुआ है, ये तरबूज मैंने थोड़े दिन पहले डाला था ना, उसकी मैं अपडेट दे रही हूँ। और थोड़े दिन पहले मैंने बेल का शरबत बनाया था, तो बेल के शरबत के शीट को डाल दिया था, देखिए ये भी आपको दिख रहा है, छोटे छोटे पौधे निकल गए, इनको अलग करना है हमको। और लहसुन जो है ना काम करते हुए गिर गया था, तो मैंने लहसुन लगा दिया, वो देखिए लहसुन की पत्ती भी निकल आई है। और मिर्ची मैंने डाली थी, मिर्ची का भी पौधा मैंने देखा, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छोटा सा मिर्ची का पौधा निकला हुआ है,
ये शरीफे का पौधा मैंने दिखाया ना, ऐसे ही शीर मैंने धुल के और सुखा के रख लिए हुए हैं। ऐसे मैं डाल देती हूँ, ये ऐसे ज़मीन में पड़े रहते हैं इसी छोटे छोटे पॉट्स में। कुछ भी नहीं होता इन्हें, जब भी आपको ग्रो करना है सीधे ज़मीन में गाड़ दीजिए और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी एक मुट्ठी ऊपर से डाल दीजिए और लगा दीजिए, दबा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं ये शीड्स। फिलहाल के लिए मैं आज जो ग्रो करने जा रही हूँ, जिस टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाई आपको, चलिए लौटते हैं उसी टॉपिक पे, सारी शीट को कलर कर लेते हैं। ये हमारे वो वाले हैं, इसमें देखिए टमाटर के हैं और एक लीची है और एक है, अच्छा हाँ एक तो मैंने दिखाया ना, ये देखिए तरबूज, ये तरबूज का है, ये लीची और ये देखिए ये है कद्दू का बीज। पता नहीं कहाँ से किसी के यहाँ से पका तरबूज आ गया था ऐसे सब्जी में ही, और ये तरबूज मुझे पम्पकिन के जो है, ये देखिए ये दो बीज मिल गए। कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ मैं तो, मुझे ये शीड मिले हैं, मैं इनको भी ग्रो करूँगी कद्दू का, है ना। बाकी जो है इसका तो मैंने वाटर चेंज कर दिया था और दो दिन मैंने इसको पानी में भिगा के रखा था, अब आज बारी आ गई है मैं इसको ग्रो करने जा रही हूँ। आपको साथ में ले चलते हैं वीडियो को भी बनाते हुए, आप भी देखिए कैसे ग्रो करते हैं। ये देखिए छोटा सा एक कंटेनर है, मैं इसमें कुछ शीड जो है आपको दिखा दूँ। ये देखिए तरबूज के सीड है, इसको इसमें डाल लूँगी और हर तरीके के डालूँगी जिसे याद रहे मुझे, है ना। और इसको मिक्स कर देंगे मिट्टी को, बस। और इसमें पानी स्प्रे कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। ये हमारा जो कंटेनर है ये है तरबूज के सीड, इसमें मैंने लगाए हैं और इसी में मैंने ना कद्दू भी लगा दिया है, क्योंकि तरबूज और कद्दू जो है फिर मैं इसको बाद में अलग करूँगी। उसके बाद ये जो फूट वाली ककड़ी होती है ना, जो मोटी सी होती है, एक तो ग्रीन वाली होती है वो नहीं है, ये मोटी सी फूट ककड़ी जो होती है वो है। मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि इसका जो फल होता है कैसा होता है, फ्रिज में रखा हुआ है, नीचे चलूँगी दिखाऊँगी, फ़िलहाल मैं छत पे हूँ अभी। इसके शीट को भी ऐसे बस स्प्रेड कर देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। और जब पौधे छोटे तैयार हो गए तो चाहें तो आप इसी में रहने दें, मतलब जो कंटेनर आपने अगर जैसे मैंने इसमें ज़्यादा शीट डाल रखे हैं तो मुझे तो इनको अलग करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि पहले पौधों को रेडी कर लेती हूँ फिर अलग करती हूँ। बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक दो शीट डालेंगे तो उनका उनके साथ क्या है कि आप फिर जो है आपको अलग ही करना पड़ेगा, मुझे तो अलग करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। और ये जो है ये फूड ककड़ी जो होती है ना उसी की शीट है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, इसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे ऐसे ही, देखिएगा थोड़े दिन में मैं इसकी अपडेट आपको दूंगी जरूर, फिलहाल के लिए। और अभी ये छोटा कंटेनर है, ये तीनों कंटेनर मैंने अलग कर दिए जिससे मैं कंफ्यूज ना हूँ, है ना, आपको अपडेट देने में। अभी मैं इसमें एक स्टिक लगाऊंगी, आइसक्रीम स्टिक जो बच्चे खाते हैं ना उसी की आइसक्रीम स्टिक मैं रख लेती हूँ, उसी को इसमें लगा दूँगी मार्कर से लिख के। अब ये जो है ये क्या है, ये खरबूजे का शीट है, ये ऐसे हमने इकट्ठे डाल दिए हैं, बाद में जब ये अच्छे छोटे छोटे पौधे बनेंगे ना उसके बाद मैं इसको अलग करूँगी। तो इसी तरीके से मैं शीट्स को ग्रो करती हूँ। ये बाकी शीट बचे हुए हैं, अभी मैं नीचे जाके ग्राउंड में डाल दूँगी और वहाँ भी ग्रो हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।